हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइज आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आप यहाँ की लाइन मंदिर की देख सकते हो, महालक्ष्मी की कितनी भीड़ है यार, मतलब बता नहीं सकते। और ये लाइन में अगर हम लगते तो कम से कम 6 से 7 घंटे जाने थे, और बहुत अनलिमिटेड गर्दी थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हमने फूल वगैरह लिया था और इसके बाद हम जा रहे थे लाइन में लगने के लिए, बट इतनी भीड़ देख के, और पीछे भी आप लाइन देख रहे हो, आगे कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा था, तो इतनी भीड़ देख के तो हमारी हालत ख़राब ही हो गई थी। आप ये देखो कितनी पीछे पीछे कितनी भीड़ है, बाप रे। और इसमें लगना, मतलब बच्चे को लेके और इतनी भीड़ में जाना, मतलब हम लोग को सेफ नहीं लग रहा था। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, लाइन नहीं लगाया, बाहर से ही दर्शन कर लिए। बट मैंने फूल वगैरह लिया था तो मैं सोची थी मैं किसी को देके अंदर मंदिर में एक बार चढ़वा दूँगी, तो इसके लिए मैं जा रही थी। और यहाँ पे मुझे एक लोग मिल गई थी जिसको मैंने फूल और जो कुछ मुझे पैसे जो भी देना था तो मैंने उनको दे दिया, और बोली ठीक है मैं डाल दूँगी। बट यार इतना मतलब भीड़ था, हमारा हिम्मत ही नहीं हुआ इतने बच्चे को ले कर यहाँ पर लाइन में लगना। हम फिर कभी आ जाएँगे। ये बदमाश लड़की देख कैसे, ये बदमाश लड़की हम कब आगे। तो अभी इतनी गर्दी और गर्दी की वजह से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, अंदर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, गेट चालू और यहाँ से ही दर्शन कर लेंगे। बाहर से रिपोर्ट इतनी भीड़ और बच्चे को लेके जाना मतलब ठीक नहीं लग रहा है हम लोग को, इसकी वजह से हम लोग सोच रहे हैं किरण देते फिर कभी जब यहाँ खाली होगा तो फिर डूब जी आ जाए। इधर बहुत भीड़ है भाई, ए मास्क ले ले भाई मेरे को भी। बाहर ये देखो, ये पूरी मस्त खट्टी मीठी चीजें, देखो सीधा सीधा चलो, तो हम चल रहे बहुत बहुत भीड़ है और मेरे पास मेरा मास्क भी नहीं, मास्क लेना है लिए क्या तो देखते हैं चले के। तो मैं मास्क लेने जा रही हूँ लेके आती फटाफट। और यहाँ पे अब ले रहे थे ये लोग मिठाई, और यहाँ की जो पेड़े और कलाकंद की मिठाई मिलती है ना बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही फेमस है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे मुझे ये टाइप की जो मिठाइयाँ होती कम अच्छी लगती क्योंकि उसमें खोवा टाइप ज़्यादा होता है, बट इसमें बिल्कुल भी वैसा नहीं था, कुछ अलग ही था, मुझे अच्छा लग रहा था। और जो कलाकंद वाली मिठाई होती वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ब्राउन कलर की आप देख सकते हो पीछे। तो यहाँ पर वो सब हमने ले लिया था। इधर देखो चाची खड़ी हैं, और यार मतलब बिना दर्शन किए हम घर पे जा रहे, पता नहीं कितना मन में अजीब सा लग रहा था, बट ऐसा लग रहा था चाची चाचा को भी जाना था, काफ़ी दूर से आए थे इसकी वजह से हम और भी नहीं लगे लाइन में, क्योंकि इनको जाने में 2.5-3 घंटे लग जाते, फिर अगर हम इधर लाइन में जाते और इधर लगते फिर इधर से रिटर्न होने में बहुत टाइम चला जाता, फिर ये लोग को भी काफ़ी लेट हो जाता। तो ये सब भी बोले कि हम फिर कभी आके दर्शन कर लेंगे। और यहाँ पे हम ले रहे थे पेरू, और सच में यार इधर इतना अच्छा अच्छा पेरू मिल रहा था, और वैसे मुझे पेरू बहुत पसंद है, तो यहाँ पे पेरू था और भी बहुत कुछ चीज़ें थी, तो बट हमने पेरू लिया था और हमने बाद में पेरू खाया, बहुत ही अच्छा था। और कितनी गर्दी आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये देखो मम्मी आप लोग को दिखा भी रही हैं पेरू कैसा है। और मुझे ना पेरू मतलब कच्चे टाइप में ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ज़्यादा पका हुआ होता है मुझे वो नहीं पसंद आता है, जो हल्के कच्चे कच्चे से होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। और हमारे गांव में ना पहले के टाइम बहुत पेड़ थे पेरू के, और मैं मतलब एकदम पेरू लवर थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे, तो मैं हमेशा पेड़ पर चढ़ चढ़ के तोड़ती थी। और अभी तो पता नहीं कैसा हो गया कि बहुत अब खाती हूँ, बट उतना ज़्यादा नहीं रह गया है जितना पहले था। और इतनी गर्दी से मैं निकल रही थी यार, और पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं मास्क ढूंढते रह गई, मास्क मुझे नहीं मिला, मिला मतलब कैसा था, बट ये लोग 30-40 रुपए का दे रहे थे। और ये देखो ये है महालक्ष्मी जी का मंदिर, जो कि हम बाहर से ही पैर छूले और हम दर्शन किए हुए जा रहे हैं। अब माता रानी के सामने बहुत जल्दी हम फिर आएंगे और माता रानी का दर्शन करेंगे।
और यहाँ पे मम्मी को मूली बहुत अच्छी लग गई, दिख रही थी एकदम ग्रीन ग्रीन सी, तो मम्मी मूली लेने लगी थी और मैं सोची चलो मैं इधर थोड़ा सिंदूर ले लेती हूँ, अब आई हूँ माता रानी के दरबार में तो थोड़ा यहाँ से सिंदूर लेके जाना चाहिए, शुभ होता है। तो मैं यहाँ पे रेड वाला सिंदूर ले रही थी और मुझे रेड वाला चाहिए भी था, और पता नहीं क्यों यार ये रेड वाला हम ज़्यादा दिन रखते ना तो इसका कलर ही चेंज हो जाता है। मेरे पास ऐसे 2-3 डिब्बी हैं, वैसे मैं ये ज़्यादा लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे स्वेटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पसीना आता है तो पूरा एकदम फैल जाता है रेड, इसकी वजह से मैं नहीं लेती हूँ, और जो लेके भी है तो यूज़ नहीं होता है तो वो पूरा कलर उसका चेंज हो जाता है। आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं मुझे बताना। तो बस यहाँ पे ऐसे हम मार्केट से जा रहे थे और इसके बाद रिटर्न हो गए हम लोग, फिर जाके गाड़ी में बैठे, इंजॉय हुआ हमारी फैमिली के साथ। बस यही दुख था कि हम दर्शन इतनी दूर आके दर्शन नहीं कर पाए, बट देखते हैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक रहा तो हम ज़रूर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे चीज़ें टॉयज़ वगैरह बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी, और इधर जो स्टॉल लगा था साइड में ये सारी 100 रुपीज़ की कुछ भी आप लोग सब कुछ मिल रहे थे अच्छे अच्छे, बट मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि हमारे इधर भी ये सब मार्केट में यही सेम रेट में मिलता है। और यहाँ पे मैं खा रही थी कच्ची कैरी जो कि बहुत ही खट्टा लग रहा था, और अब पता नहीं कि मुझे खट्टा खाने से बड़ा डर लगता है क्योंकि दांत एकदम ना ऐसे एकदम ख़राब टाइप के हो जाते हैं, फिर बाद में हम कुछ खा नहीं पाते। तो यहाँ पे ये लोग मस्त इन्जॉय करके खा रहे थे, एक टाइम पे मेरा ये सब फेवरेट था, अब सबका हो गया और मेरी आते बहुत कुछ छूटती जा रही हैं। और बस अब हम यहाँ से निकल लिए, और इसके बाद यहाँ पे सब लोग देख रहे हो अपना गोला इन्जॉय कर रहे, तो मैं बोली भाई मैं कैसे लेट हो गई, चलो मैं भी लग जाती हूँ लोग के साथ में। और डुगू की आप हालत देखोगे ना, वैसे तो बहुत ही फनी लग रहा था, और यहाँ पे रोशनी मुझे भी खिला रहा, डुगू अपना खिला रहा था, बट डुगू का इतना मीठा था ना, मुझे वैसे गोले में ना काला खट्टा अच्छा लगता है, बट डुगू पता नहीं क्या ले लिया था एकदम मीठा मीठा। और डुगू की हालत आप देखना, ऐसा एकदम फ़नी फेस हो गया था उसका, एकदम रेड रेड पूरे लिप्स, और ये दोनों एकदम फ़नी लग रहे थे बट कपड़े की वाट लगा दिए थे। अभी आप डुगू का मुंह देखना, ये देखो लिप्स एकदम, मतलब इतना तो हमारा लिपस्टिक भी नहीं डार्क करेगा हमारे लिप्स को जितना इसका गोला कर दिया था रेड कलर का, तो आप सोच सकते हो कितना कलर होता है इसमें। तो यहाँ पे मैं लग गई थी अपना पेरू खाने में क्योंकि पेरू मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला सच में यार मतलब ट्रस्ट में इतना अच्छा था ना, हम मतलब बहुत हमें पछतावा हो रहा था क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसे 50 रुपीज़ का लिया था, 50 रुपीज़ में आई थिंक बड़े बड़े 7 से 8 आए थे, और हमें क्या लगा कि ज़्यादा अच्छा नहीं होगा और सब मतलब खाएँगे नहीं, तो इसकी वजह से हमने ज़्यादा नहीं लिया, तो इतना ही लिया था, बट इतना अच्छा था हमें नहीं पता था कितना अच्छा होगा। और इसके बाद हम आ गए थे इधर होटल में, और आप होटल देख सकते हो कितना अच्छा था, और ये फुली काठियावाड़ी था, और यहाँ पे मतलब आपको अलग टाइप के फूड नहीं मिलेंगे जैसे पंजाबी हो गया साउथ इंडियन हो गया ये सब नहीं, आपको पूरा काठियावाड़ी मिलेगा। काठियावाड़ी में जा रहे अभी बैठने, अभी बैठे नहीं हैं। कहाँ तो बस यहाँ पे हम होटल में आ गए थे, और पहले मैं अपने बेटे की पेट पूजा की तैयारी कर ली यार क्योंकि वो काफ़ी टाइम से भूखा था, और वो मतलब दूध बाहर पीता ही नहीं है, बॉटल भी नहीं पीता है, तो इसकी वजह से हम उसका गर्म पानी बॉटल में और सेरेलक ले लिए थे, और अब उसको हम सेरेलक बना के खिला देंगे, और इधर होटल में आराम से खिला देंगे, मंदिर में हम खिला नहीं पाते और कार में भी जमता नहीं खिलाने में, तो पहले हमने उसको खिला दिया, फिर यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पे स्टार्टर वगैरह में कुछ भी नहीं था, हमने क्या खाया था आपको हम बताएंगे अभी। यहाँ पे हमने बाजरे की रोटी और वो उन लोग का कुछ अलग टाइप की भाजी होती है वही सब मिला था, बाकी मतलब हम सोचे ऐसा हमारे मन के हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिला था, बट वो भी बहुत ही टेस्टी था, एक बार आप लोग काठियावाड़ी ट्राई करो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे सब लोग वो हाफ फ्राई कैबेज होता है ना वो खा रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब लोग ले रहे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है बट और सबको अच्छा लग रहा था, भाई लोग को मैंने वही खाया था। और हम इसके बाद यहाँ पे पहले स्टार्टर में सिर्फ और सिर्फ इनके पास मंचाओ सूप था, तो मंचाओ सूप मंगाए थे सब, वो पिए, इसके बाद खाना आया और हमने खाना खाया, खूब इंजॉय किया, फिर हम निकल गए थे घर के लिए। और सच में यार मतलब फैमिली के साथ घूमने का जो मज़ा होता है ना वो कहीं नहीं है। आप लोग बताओ आप लोग को फैमिली के साथ अच्छा लगता है कि फ्रेंड के साथ अच्छा लगता है, बट हमें तो मतलब फैमिली के साथ ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि फैमिली फैमिली होती है यार, हम उनके साथ कैसे भी बिंदास एकदम रह सकते हैं। हम लोग जा रहे घर पर और हमने खाना इतना खा लिया कि हमारा पेट फूल हो गया, हमने काठियावाड़ी में खाया है। टू मच फुल, ये देखो इधर बेबी को
और इधर बेबी की मम्मा को। अब जो है हम सोच रहे अपने इस ब्लॉग का करेंगे एंड, क्योंकि हमारी बैटरी एकदम डेड हो चुकी है। तो इस ब्लॉग का एंड हम यहाँ पे करेंगे और अब हम निकल चुके घर के लिए खा पी के एकदम मस्त, आपने देखा ही। तो अब घर पे जा रहे हैं और इसके बाद हमें निकलना भी है और ये लोग भी चली जाएंगी आज। मज़ा आया तुम लोग को? Yes. बहुत। हमें भी बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी इंजॉय किया। हमारी बैटरी फुल मोबाइल की बैटरी डाउन है। तो हाँ, मोबाइल की बैटरी डाउन है, मेरी बैटरी चार्ज है। बट अभी जब भी मेन, तो अभी हमारे ब्लॉगिंग के लिए मोबाइल की बैटरी ही चाहिए, तो वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम सोच रहे अपने ब्लॉग का यहाँ पे एंड कर देते हैं और यहाँ से हम शुरू करेंगे, मतलब घर पे जाने के बाद फ़ोन चार्ज करने के बाद हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग का स्टार्ट करेंगे। कभी कभी देखो वर्डिंग भूल जाती है। स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोग से मिलेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।